चलो बोलिए गजानंद भगवान की जय। इस सावन महीने के अंदर ऊपर देखिए, सावन महीने के अंदर बड़ा भारी महत्व होता है, क्योंकि सावन महीने के अंदर माता बोरा ने जन्म लिया था। एक साल के 12 महीने का सावन महीना आते सोमन दित रोशी बुद्ध शुद्ध मंगल की रात्रि रोहिणी नक्षत्र लगे हुए सवेरे 4 बजे का टेम माता बोरा ने मैना मंत्र की कोख से जन्म लिया था। इसीलिए सावन महीने के अंदर पूरा साल एक तरफ होता है, सावन महीना एक तरफ होता है। ये भगवान शंकर का प्रिय महीना होता है, क्योंकि इस महीने के अंदर माता गोरा ने जन्म लिया। इस महीने के अंदर जो 4 सोमवार के व्रत रखते हैं उसका बड़ा भारी महत्व होता है, और जो भी मनोकामना मांगते हैं भगवान से उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन महीने के अंदर बेलपत्र की पूजा चढ़ाने से आप धतूरा ध्रुव बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त होता है। इनका नाम भोला भंडारी है, भोला भंडारी। थोड़ी भक्ति करने से ही खुश हो जाते हैं, और जाकर के जिस प्रकार से हरियाणा आधा पंजाब दिल्ली के लोग कावड़ बैंगी लाते हैं इस महीने के अंदर, उस कावड़ के अंदर गंगा जल होता है, और आकर के आप समूह के ऊपर जहाँ पर अपने आप शिव जी भगवान निकले हुए हैं वहां पर आकर के उनका जल अभिषेक करते हैं। उस जल अभिषेक करने से जो कावड़ लाते हैं जप तप व्रत तीनों का महत्व प्राप्त हो जाता है। तीनों का महत्व प्राप्त होता है जप, जैसे कुछ भी बम बम बोले चाहे भोलेनाथ आवाज निकालते हुए जयकारे की आवाज निकालते हुए जाते हैं, तपस्या पांव में नंगे पांव होते हैं उनके पांव में छाले पड़ते हैं, क्योंकि भगवान का वास दुख में होता है सुख में नहीं है। जब चलते हैं तो उनको दर्द होता है, तब भगवान ही उनके मुख से निकलता है ओम नमः शिवाय बम बम बोले जय भोलेनाथ, उसकी आवाज से निकलता है। इसीलिए सावन महीने के अंदर बेलपत्र की पूजा चढ़ा करके और खीर और मालपुड़े का भोग लगाया जाता है। मालपुड़े का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, जो मालपुड़ा होता है उससे मालपुड़ा खाने से अनेकों बीमारियों को दूर भगा देता है। इसलिए सावन महीने के अंदर बेलपत्र की पूजा कराएं और भगवान शंकर की ओम नमः शिवाय का जाप करें, उससे भक्तों का कल्याण हो जाता है और शिव जी भगवान उनसे आकर्षित होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। महादेव सेवा।